प्रश्न विद्यार्थी मित्रों, आज मैं सप्तर्षि संकुल में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज की हमारी हिंदी की क्लास में हम कक्षा 9 में असाइनमेंट लिखेंगे, तो आप अपनी नोटबुक और रबर पेंसिल साथ में रखिए और जो प्रश्न मैं यहाँ लिखाऊंगी वह प्रश्न आप अपनी नोटबुक में लिखते जाइए। तो आज हम जो हमारा गद्य 16 है, भारतीय संस्कृति में गुरु शिष्य संबंध, उसका असाइनमेंट लिखेंगे। तो आप उनका जो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों के सही विकल्प चुनकर लिखिए। उनका जो पहला विकल्प है वह आप अपने नोटबुक में लिखिए। पहले शिक्षा देना कैसा अनुष्ठान था? तो ए लौकिक, बी अलौकिक, सी भौतिक या डी आध्यात्मिक। तो हमारा यहाँ पे उत्तर आएगा डी, आध्यात्मिक। अब दूसरा विकल्प लिखिए, प्रारंभ में किस महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त नहीं हुआ? प्रारंभ में किसे महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त नहीं हुआ? ए रामतीर्थ, बी दयानंद, सी विवेकानंद या डी नित्यानंद। तो यहाँ पे हमारा उत्तर आएगा सी विवेकानंद। अब तीसरा विकल्प लिखिए, रविंद्रनाथ ठाकुर को कौन सा पुरस्कार मिला था? ए भारत रत्न, बी भारतीय अकादमी, सी नोबल या डी ज्ञानपीठ। तो यहाँ पे हमारा उत्तर आएगा सी नोबेल। अब हमारा चौथा विकल्प है, वह लिखिए आप, गामा कौन था? ए पहलवान था, बी उद्योगपति था, सी खिलाड़ी था या डी संगीतकार था। तो यहाँ पे हमारा जो उत्तर है वह आएगा ए पहलवान। अब पांचवा जो विकल्प है वह लिखिए, उत्तम गुरु में कौन सी भावना नहीं रहती? ए स्वार्थ भावना, बी प्रतिशोध भावना, सी जाति भावना या डी बैर भावना। तो यहाँ पे हमारा उत्तर आएगा सी जाति भावना। अब हमारा जो छठा विकल्प है वह आप लिखिए, भगवान रामकृष्ण वर्षों तक खोजते रहे। ए सुंदर भावना, बी मनपसंद मंदिर, सी सच्चा मित्र या डी योग्य शिष्य। तो यहाँ पे हमारा उत्तर आएगा डी योग्य शिष्य। अब हम प्रश्न एक का जो ब विभाग है वह लिखेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। तो आप उनका जो पहला प्रश्न है वह लिखिए, भारतीय शिष्य गुरु परंपरा का भव्य रूप आज भी कहाँ दिखाई देता है? तो उनका उत्तर आप लिखिए, भारतीय शिष्य गुरु परंपरा का भव्य रूप आज भी साधुओं, पहलवानों और संगीतकारों में दिखाई देता है। अब दूसरा प्रश्न आप नोटबुक में लिखिए, गांधी जी किन्हें अच्छे लगते हैं? उनका उत्तर लिखिए, गांधी जी
उन्हें अच्छे लगते हैं जिनमें गांधी जी बनने की क्षमता हो और उनका अनुसरण करना वे चाहते हो। अब जो हमारा तीसरा प्रश्न है वह आप नोटबुक में लिखिए। प्राचीन काल में भारतीय शिक्षा केंद्र कैसे थे? तो आप उनका उत्तर लिखिए। प्राचीन काल में भारतीय शिक्षा केंद्र एक उनका जो आध्यात्मिक अनुष्ठान था और परमेश्वर प्राप्ति का एक माध्यम था। अब हमारा जो प्रश्न चार है वह लिखिए। प्राचीन काल में गुरु की शिक्षा दान क्रिया क्या थी? तो लिखिए, प्राचीन काल में गुरु शिक्षा दान क्रिया यह थी कि उनका जो आध्यात्मिक अनुष्ठान था और वे परमात्मा की प्राप्ति का एक माध्यम था उनके लिए। और तीसरा जो प्रश्न है वह लिखिए, प्राचीन काल में भारतीय शिक्षा केंद्र कैसे थे? तो एक प्रकार के आश्रम उनका शिक्षा केंद्र था और मंदिर के रूप में थे। अब हमारा जो पांचवा प्रश्न है वह लिखिए, शिक्षण कार्य आज किसका साधन बन गया है? तो उनका उत्तर लिखिए, शिक्षण कार्य आज एक व्यवसाय का साधन बन गया है। छठा प्रश्न लिखिए, भगवान रामकृष्ण परमहंस बरसों तक योग्य शिष्य पाने के लिए क्या करते रहे? तो उनका उत्तर लिखिए, भगवान रामकृष्ण परमहंस बरसों तक योग्य शिक्षक पाने के लिए वे रो रो कर भगवान से प्रार्थना करते रहे। अब हमारा जो सातवां प्रश्न है वह आप नोटबुक में लिखिए, प्रारंभ में किसे महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त नहीं हुआ? उनका उत्तर लिखिए, प्रारंभ में स्वामी विवेकानंद जी को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त नहीं हुआ। अब हमारा जो आठवां प्रश्न है वह आप लिखिए, स्वामी विवेकानंद जी किन्हें अच्छे लगते हैं? तो उनका उत्तर लिखिए, स्वामी विवेकानंद उन्हें अच्छे लगते हैं जिनमें स्वामी विवेकानंद बनने की अद्भुत शक्ति निहित है, उन्हें ही अच्छे लगते हैं। अब हमारा जो नौवा प्रश्न है वह आप नोटबुक में लिखिए, जब रविंद्रनाथ ठाकुर को नोबेल पुरस्कार मिला तब बंगाली लोग कौन सा राग आलेपने लगे? तो यह लिखिए कि जब रविंद्रनाथ ठाकुर को नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ तब बंगाली लोग यह राग आलेपने लगे कि आमेड ठाकुर आमेड कठोर सुपुत, यह आलेप अलापन आलेपने लगे। अब हमारा जो दसवां प्रश्न है वह आप लिखिए, भारतीयवासी मालाएं लेकर किसका स्वागत करने दौड़ आए? तो उनका उत्तर लिखिए, भारतवासी मालाएं लेकर स्वामी विवेकानंद जी का स्वागत करने दौड़ते हुए आए, क्योंकि उन्होंने अमेरिका में प्रगति कर ली थी। अब जो ग्यारहवां प्रश्न है वह आप लिखिए, भगवान ईसाई का कौन सा कथन सदा स्मरणीय है? तो उनका उत्तर लिखिए, भगवान ईसाई का यह कथन सदा स्मरणीय है कि मेरे अनुयायी मुझसे कहीं अधिक है और उनकी जूतियाँ धोने के लायक योग्यता भी मुझ में नहीं है। यह कथन उसका सदा स्मरणीय है।
तो आगे जो मैंने प्रश्न आपको लिखा है वह आप अपने नोटबुक में लिख लीजिए, फिर बाद में उसका अभ्यास आप घर पे करिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अस्तु।